बच्चों आपको एक बहुपद दिया गया है, इसका हल करना है तो कैसे करेंगे? तो सर्वप्रथम हम इसके करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप क्या करें, सर्वप्रथम लिख देंगे कि दिया गया बहुपद ये क्या है, आपको दिया है। अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मतलब कितना है, एक। और लास्ट जो अचर पद है कितना है, माइनस आठ। इनका हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया, माइनस आठ। आठ के यदि आप गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, दो गुणा दो गुणा दो, और यह आपका माइनस छः। अब इस गुणनखंड के आप ऐसे टुकड़े करो कि इनको जोड़ने पर आपका क्या आना चाहिए, जो एक्स का गुणांक है कितना, माइनस दो। इनको गुणा करने पर वापस क्या आना चाहिए, आपका माइनस आठ आना चाहिए। लगाओ दिमाग। तो भाई मैंने तो लगा लिया दिमाग कि फाइनल चिन्ह माइनस का आ रहा है, मतलब बड़ी संख्या माइनस के लिए। दो गुणा दो माइनस का चार, और इसको ले लेते हैं, कितना आ रहा, माइनस दो। माइनस चार गुणा दो माइनस आठ आ रहा, मतलब यही सही है। मतलब क्या हुआ कि माइनस दो जहाँ लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख देंगे, यह लिख देंगे माइनस चार, ये एक्स है तो एक्स साथ में रहेगा, प्लस दो। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इनका और इनका में से कॉमन लेना है। तो यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, आपका एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया, एक्स माइनस चार। ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग एक्स, एक्स का एक्स से कैंसिल हो गया, माइनस चार आ गया। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, दो, अंदर क्या रह गया, एक्स माइनस चार। अब यहाँ भी x माइनस चार है, यहाँ भी x माइनस चार है, तो दोबारा देखो x माइनस चार, फिर आपका कॉमन आ जाता है। यहाँ आ गया आपका x और यहाँ आपका ये प्लस दो। ठीक है, अब हल के लिए क्या करना है, इनको बराबर ज़ीरो रखना है। ठीक है, तो एक बार x माइनस चार यानी जो पहला पद है वो ज़ीरो हो जाएगा, या यहाँ लिखें सही बीच में, या एक बार आपका दूसरा पद जीरो हो जाएगा। यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया, ये माइनस का है, दूसरी तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तो हल क्या आ गया आपका, एक्स बराबर माइनस दो व चार है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, समझ गए। अब जहाँ पर हमने ज़ीरो किया है ना, यहाँ लिख देंगे, साइड में लिख देंगे, या नीचे लिख सकते हैं शून्य के लिए, इसको बराबर क्या लेते हैं, ज़ीरो लेते हैं, या हल के लिए बराबर ज़ीरो लेते हैं।